एआरटीओ मथुरा के द्वारा आज शेरगढ़ थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की गई। छाता से नोहजिल चलने वाले जो वाहन बिना परमिट, बिना नंबर और बिना कागजों के चल रहे थे और जिन वाहनों की फिटनेस नहीं थी, जिनसे लोगों को जान माल की भी हानि हो सकती थी, उनके खिलाफ आज अभियान चलाया गया, जिसके तहत 10 वाहनों को पकड़कर 7 का चालान कर 3 ऑटो को सीज किया गया। एआरटीओ राजेश कुमार ने बताया कि काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि शेरगढ़ क्षेत्र में बिना परमिट और बिना कागजातों के वाहन चल रहे हैं, जिसके तहत आज अभियान चलाकर ये कार्यवाही की गई है। ये सर, आज जो आपने अभियान चलाया सर, ये इसके बारे में थोड़ा बताओगे सर? ये छाता शेरगढ़ नौजिल लूट पर शिकायतें मिल रही थी कि बहुत सी गाड़ियां जिनके की प्रपत्र पूरे नहीं है, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, परमिट नहीं है, फिटनेस नहीं है, तो ऐसी गाड़ियां बहुत चल रही हैं, जिससे कि सरकार को राजस्व की हानि के साथ साथ जनता को जान माल की भी हानि हो सकती है। इसलिए आज ये अभियान चलाया गया। अभी तक हम लोगों ने 7 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई किया है, 3 वाहन सीज कर दिए हैं, 4 वाहन अभी चालान किए हैं। अभी हम लोग यहाँ से नौगील तक जाएंगे, जो भी रास्ते में गाड़ियाँ ऐसी मिलेंगी उनके खिलाफ बंद और चालान की कार्रवाई की जाएगी। आगे भी इस कार्रवाई को हम लोग करते रहेंगे।